हाँ जी स्टूडेंट्स प्लस वन बेटे लास्ट क्लास के अंदर आपने फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स कंप्लीट कर लिया सी ना एज यू नो द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स जिहड़ा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ द चैप्टर ठीक है। मैं पहला भी तुहानू लास्ट क्लास भी दस के हटी हाँ कि इंपॉर्टेंट है वो अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं अपने को ने बिफोर गोइंग टू द न्यू आर्टिकल पहले आप ओल्ड आर्टिकल चो अपने क्वेश्चन आंसर ने जोड़े वो डिस्कस कर लें दैन मूव टू द न्यू काइंड ऑफ द चैप्टर ठीक है। तो अपने को बेटे एक तो ये अंदर फोटोसिंथेसिस के अंदर जेड स्कीम की है ठीक है। क्वेश्चन एक देखो विचों ही निकल जाएंगे सारे ही जेड स्कीम क्लीयर हो गया तो थोनों नाल ही की क्लीयर हो जूगा वो साइकलिक एंड नॉन साइकलिक फोटो फॉस्फोराइजेशन ठीक है। फोटो फॉस्फोराइजेशन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन डिफरेंसिस ठीक है। उस तो बाद अपने को इतने ही इन्होंने नाल ही क्लीयर हो गया पीएस वन फोटो सिस्टम वन एंड फोटो सिस्टम टू ए एक आर्टिकल पढ़ लिया तो तीन क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए ठीक। उस तो बाद बेटे अपने को सी थ्री साइकिल सी फोर साइकिल फोटो रेस्पिरेशन कैम ब्लैक मैन्स लॉ ठीक है। ऑल द आर्टिकल्स ऑफ दिस चैप्टर आर इम्पॉर्टेंट ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस द मेन आर्टिकल्स आर डिफरेंशिएट बिटवीन सी थ्री साइकिल सी फोर साइकिल एक्सप्लेन सी थ्री साइकिल सी फोर साइकिल डिफरेंशिएट बिटवीन फोटो सिस्टम वन फोटो सिस्टम टू डिफरेंशिएट बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फोटो रेस्पिरेशन सॉरी वी हैव इज द फोटो फॉस्फोराइलेशन सॉरी ठीक है। तो यह अपने को बेटे मेन 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 क्वेश्चन ने चाहे इन्होंने क्वेश्चन की फॉर्म च पढ़ लो चैप्टर पढ़ोगे तो थोड़े इन्हों चो डैम श्योर होंगे कि वी विल बी हैविंग द फाइव मार्क क्वेश्चन इन अवर फाइनल एग्जामीनेशन ठीक है। देखो है भी ईजी थोड़े को है फोटोसिंथेसिस की है लीफ के अंदर कल भी दसिया सी मैं मीजोफिल सैल्स ने एक मीजोफिल सैल ड्रॉ कर लो एक मेरे को क्लोरोप्लास्ट है क्लोरोप्लास्ट के थायलाकोइड के अंदर लाइट रिएक्शन चल रहा है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट डार्क रिएक्शन के अंदर एंटर होंगे ने अगर वो प्लांट नॉर्मल कंडीशन के अंदर है तो वह सी थ्री साइकिल परफॉर्म करेगा बट अगर हाई लाइट कंडीशन एंड हाई टेंपरेचर कंडीशन के अंदर है तो वह अंदर स्पेशल टाइप ऑफ एनाटॉमी होगी जो कि क्रैंज एनाटॉमी है जो सी फोर साइकिल परफॉर्म करेगी अगर वो डेजर्ट प्लांट है तो वह सी फोर साइकिल भी ना शो करके कैम पाथवे शो करेगा ठीक है। तो यह अपना लास्ट चैप्टर के अंदर से आप लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करा हूँ बेटे आपने कहा कि आप एक चैप्टर फ्रॉम द ह्यूमन प्लांट फिजियोलॉजी करांगे एंड वन टू टू चैप्टर्स फ्रॉम द ह्यूमन फिजियोलॉजी ठीक है। सो अपने प्लांट्स के अंदर ही कर लिया क्रैमिंग वाला पोर्शन सीगा इस तो बाद अगर मैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स शुरू करानी है तो भी क्रैमिंग है फिर दो दो तीन तीन जिहड़े देखो ये साइकल्स पक्के कर लो ताकि मैं थोनों नैक्सट जो साइकल्स करावा तो थोनों ये वाले साइकल्स आते हो क्लियर। तो इन्हों का कि प्रोडक्ट कि अंदर कन्वर्ट हो रहा है यू हैव द टाइम हूँ बेटे अपना आ गया यदा टेस्ट का टाइम एज यू ऑल नो कि अपन दिवाली ऑफ है ठीक है फ्राइडे सैटरडे संडे उस तो बाद वी विल मीट ऑन ट्यूजडे तो ट्यूजडे आए आप टेस्ट नहीं लवेंगे ठीक है। अपना जो टेस्ट है दैट विल बी प्रोबेबली आई थिंक द टेस्ट विल बी ऑन ट्यूजडे ठीक है। तो ट्यूजडे मैं टेस्ट लाऊंगी थोड़े को मंडे का दिन है तुम प्रिपेयर कर लो और वो आप देख लेंगे ट्यूजडे और थर्सडे जो एक दिन आई बी हैविंग द टेस्ट द चैप्टर विल बी द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स क्लियर। तो पुराने टेस्ट मैं तुम्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी नवे टेस्ट ने जोड़े वो अपना प्रिपेयर कर लो वो आप देख लेंगे कि ट्यूजडे लैना है या थर्सडे लैना है बट अपना टेस्ट है जोड़ा वो प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो जो भी डाउट्स ने वो क्लीयर कर लो। तो नैक्सट चैप्टर वी आर मूविंग टूवर्ड द ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर वी आर गोइंग टूवर्ड द चैप्टर नंबर थ्री दैट इज द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन मीन्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज द हार्ट ठीक है बॉडी और ओवरऑल आप इन की कहेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक है। यही कहने हो ना बचपन थोड़ी टेंथ क्लास तो पढ़ते आ रहे हो द बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन क्योंकि तीन दिन का हॉल्ट है बेटे विच तीन दिन का पॉज है अपना इस करके मैं हार्ट तो स्टार्ट नहीं कराऊंगी आप इजी पार्ट तो स्टार्ट कराँगे ताकि अगर विच
पॉज भी आ जाता है तो कोई फर्क ना पे। तो आप बेटे चैप्टर के नाम का मतलब समझते हैं। सर्कुलेशन का मतलब की है, जो भी बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स ने, एंजाइम्स ने, फूड पार्टिकल है, जो भी सबस्टेंसेस ने, उन्हों का सारी बॉडी के अंदर रिवॉल्व करना, हर ऑर्गन तक पहुंचना। ठीक है, किवें जाऊगा, क्योंकि बॉडी के अंदर फ्लूइड्स प्रेजेंट ने, ब्लड है, लिम्फ है, वो ब्लड एंड लिम्फ के अंदर मिक्स होगा। हुन सारी बॉडी तक पहुंचने लिए, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी है, मल्टी सेलूलर है, तो सारी बॉडी तक पहुंचने लिए एक प्रेशर चाहिए है। तो वह प्रेशर कौन जनरेट करता है? दैट प्रेशर इज जनरेटेड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम, जिहदा किंग है हार्ट। ठीक है, हम इन पिछले चैप्टर्स के नाल रिलेट करते हैं। खाना खाया, स्टार्च दी फॉर्म दे अंदर, प्रोटीन्स दी फॉर्म दे अंदर, या आई एम राइटिंग इज कॉम्प्लेक्स फूड वी हैव ईटन, वो सिंपल दे अंदर कन्वर्ट हो गया। सिंपल फूड कहता है मैं बॉडी दे सारे पार्ट्स तक पहुंचना है, ताकि सारे सेल्स अपनी अपनी एनर्जी क्रिएट कर लें। तो यह फूड सारे पार्ट्स तक पहुंचने लिए ब्लड दे कोल जाता है। ब्लड दे कोल इतना प्रेशर नहीं है तो ब्लड हार्ट दी हेल्प लेंदा है। क्लियर, इट विल टेक द हेल्प ऑफ द हार्ट टू रीच एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। सर रेस्पिरेटरी सिस्टम की कहता है, ऑक्सीजन ते कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो गया, बट ऑक्सीजन कहती है कि मैं भी सारे पार्ट्स तक पहुंचना हैड टू टो आई हैव टू रीचेस, तो जिहड़ी ऑक्सीजन है दैट विल ऑल्सो मूव्स फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट एंड फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। क्लियर है बेटे? तो दिस इज द सॉर्ट की जो भी चीज है उन्हें प्रेशर चाहिए है। प्रेशर जनरेट कौन करता है? हार्ट विल जनरेट द सच काइंड ऑफ द प्रेशर। क्लियर है बच्चे? तो अपने को हार्ट का मेन मकसद की हो गया, हार्ट का मेन पर्पज है कि वह ब्लड नू पंप करता है, वो बॉडी के अंदर ब्लड नू सर्कुलेट करन च हेल्प करता है। क्लियर? तो अपने चैप्टर का मतलब क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन क्लियर होगी। इंट्रोडक्शन का मतलब की है, बॉडी दी हेल्दी सारे सेल्स चाहते ने कि असी हेल्दी फंक्शनिंग कर लिए, तो हेल्दी फंक्शनिंग दे लई उन्होंने न्यूट्रिएंट्स चाहिए है, हॉर्मोन्स चाहिए है, ऑक्सीजन चाहिए है, एंजाइम्स चाहिए ने। उन्हों की सर्कुलेशन की दे थ्रू होगी? दैट विल बी थ्रू द हार्ट। हार्ट दे थ्रू सर्कुलेशन होगी। तो केड़ा फ्लूइड सर्कुलेट करूगा? ब्लड सर्कुलेट करूगा। द सर्कुलेटरी सिस्टम की हो गया, द सर्कुलेशन ऑफ द फ्लूइड्स इन द बॉडी इज कॉल्ड एज द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो जो भी मटीरियल्स अपनी बॉडी के अंदर वेस्ट मटीरियल्स ने, उन्हों का बाहर जाना वह भी सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स का हर जगह पर पहुँचना, गैसेस, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, ठीक है, तो इन्हों का बॉडी के हर पार्ट तक रीच करना, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अगर अपने को पॉज ना होंगे फिर आप अब हार्ट की डायग्राम भी डिस्कस करते, बट अज आप हार्ट की डायग्राम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेटे हूँ आप डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ द फ्लूइड सर्कुलेशन। फ्लूइड सर्कुलेशन बच्चे दो तरह की होंगी है, फ्लूइड दो तरह नाल सर्कुलेट करता है। हम इतने मैं थोड़ा थोड़ा किंगडम एनिमेलिया याद कराऊंगी। फ्लूइड सर्कुलेशन दो तरह का है, वन इज द एक्सटर्नल सर्कुलेशन एंड वन इज द इंटरनल सर्कुलेशन। एक्सटर्नल सर्कुलेशन की होंगे बेटे, यू आर इन कॉन्टेक्ट विद द फ्लूइड एंड फ्लूइड कॉन्सटेंटली थोड़ी बॉडी दे नाल कॉन्टैक्ट चाहते हैं, थोड़े सैल्स वो तो फ्लूइड्स ले लेंगे। पर स्पॉन्जेस के अंदर देख के आए सी, समुंदर के अंदर स्पॉन्ज प्रेजेंट है, वो बॉडी कैविटी के अंदर पानी एंटर होंगे, वो सैल्स पानी तो अपना न्यूट्रिशन लेंगे, वो पानी फिर चला जाता है बाहर न, और पानी एंटर होंगे सैल्स के थ्रू, इस तरीके दे नाल वो सैल्स बेद करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटर्नल सर्कुलेटरी सिस्टम। इंटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम बॉडी के अंदर सर्कुलेशन होना, ठीक है, तो उन्होंने कहते हैं इंटरनल सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लियर, तो अपने को आ गया इंट्रा, वी हैव इज द एक्स्ट्रा इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन एंड वी हैव इज द एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। ठीक है, तो अपने को आ गया बच्चे इंट्रा सेलुलर सर्कुलेशन एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन।
पहले अपन इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन डिस्कस करते हैं बेटे। इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन के सेल दे अंदर ही सर्कुलेशन दा होना, जो साइकलोसिस साइटोप्लाज्म दे अंदर फ्लूइड है जेड़ा ओ मूवमेंट शो कर रहे हैं, दैट इज द एक्स्ट्रासेलुलर सर्कुलेशन। इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन, एक्स्ट्रासेलुलर सर्कुलेशन की है बेटे जिदे अंदर एक मैं थोनू दसता, दैट इज द एनवायरमेंटल फ्लूइड सर्कुलेशन जिवें कि स्पॉन्जेस दे अंदर हो रहा है। एंड वी हैव इज द नेक्स्ट वी हैव इज द ब्लड बॉडी कैविटी सर्कुलेशन की बॉडी के अंदर कैविटी है और अंदर फ्लूइड है जो रन करते हैं सैल्स और अंदर बेंड कर लेंगे, ठीक है। थर्ड वी हैव इज द ब्लड वैस्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड जड़ा है वह क्लोज्ड वैसल्स के अंदर रन करूगा, सैल्स वो तो अपना मटीरियल लैनगे, अपना वेस्ट मटीरियल वो अंदर पोर कर देंगे जो कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर या हायर ऑर्डर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होंगे। द टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की हो गया बेटे, इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन एंड एक्सट्रासेलुलर सर्कुलेशन। एक्सटर्नल विल बी द टाइप ऑफ द एक्सट्रासेलुलर, अपने को आ गया एक्सट्रासेलुलर सर्कुलेशन, इंट्रासेलुलर सर्कुलेशन सेल के अंदर साइकलोसिस, एंड एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन सेल के बाहर सर्कुलेशन होना, ठीक है। दैट विल बी द एक्स्ट्रा सेलुलर सर्कुलेशन। तो ये अंदर एनवायरमेंटल सर्कुलेशन, बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन ये प्रेजेंट है, क्लियर। हुन बेटे ब्लड वैसकुलर सिस्टम है जिहड़ा वो दो तरह का होंगे। ब्लड वैसकुलर सिस्टम मतलब वो सिस्टम जिदे अंदर हार्ट है, वैसल्स ने, आर्टरीज है, वेन्स है, कैपिलरीज ने, ठीक है। बिफोर गोइंग इन डिटेल ऑफ द आर्टरीज वेन्स एंड कैपिलरीज, पहले आप डिस्कस करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम है जिहड़ा वो किन्ने तरह का होंगे। ब्लड वैसकुलर सिस्टम ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन का मतलब की है, जो ऑक्सीजनेटेड ते डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होए दैट इज कॉल्ड एज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की हो गया जो कि लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होंगे बेटे, जदों अपनी बॉडी के अंदर कोई डिस्टिंक्शन ना होए ब्लड टिश्यू फ्लूइड्स के अंदर, तो उन्होंने कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड है जिहड़ा वो जनरल बॉडी फ्लूइड की फॉर्म के अंदर फ्लो करता रहता है, जिहड़े टिश्यूज ने वो अंदर बेद करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, जदों ब्लड क्लोज्ड वैसल्स के अंदर रन करे ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन है जिहड़ा वो टोटली डिफरेंट होए, दैट इज कॉल्ड एज द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लियर। हुण अपने कोल बच्चे ब्लड वैसल्स की होंदियां ने, ब्लड वैसल्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिन्हां दे अंदर ब्लड है जिहड़ा वो प्रेजेंट होंदा है। अपने कोल दो तरह तीन तरह दीआं ब्लड वैसल्स ने, बेसिकली वी हैव द आर्टरीज, we have is the veins and we have is the capillaries. The arteries ki hundiyan ne bete jinna de andar oxygenated blood hai, veins jinna de andar deoxygenated blood hai, and capillaries dona diyan demarcations ne, ohna nu chote chote parts de andar split karna, that is called as the capillaries. The arteries veins de andar koi confusion nahi hai. Hun main ek cheez hor dasdi hai itthe, आर्टरीज एंड वेन्स सारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज कैरी करनगियां, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नू वेन्स कैरी करनगियां। बट हार्ट तो जो ब्लड जांदा है लंग्स कोल, सिर्फ उस जगह पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नू कैरी करती है पल्मोनरी आर्टरी, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड नू कैरी करके आंदियां ने पल्मोनरी वेन्स टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, क्लियर है। हुन एवें क्यों होंगे, वाई इट इज सो देयर, क्योंकि बेटे आर्टरीज ने जिहड़ियां उन्हां कोल ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब वो हार्ट तो आने वाली वैसल्स ने, हार्ट के अंदर देयर विल बी द ह्यूज अमाउंट ऑफ द प्रेशर इन द हार्ट। हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उस प्रेशर नू आर्टरीज लैके आंदियां ने, उन्हां दी वॉल है जिहड़ी वो थिक होंदी है, ठीक है। जिहड़ियां वेन्स ने, क्योंकि आर्टरीज ने सारी बॉडी नू, आर्टरीज ने जिहड़ियां उन्हां दी जिहड़ी वॉल है वो थिक हुंदी है, क्योंकि उन्होंने ब्लड तो प्रेशर लेके जाना हुंदा है हार्ट तो,
ताकि सारी बॉडी दे पार्ट तक ब्लड है जेड़ा वो सर्कुलेट होए। ठीक है, अगर क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होंगे, अगर वो वेल जड़ी वेसल है वो थिन होगी तो वो बर्स्ट ना हो जाए। जिहड़ी वेन्स ने उन्होंने आराम नाल अपना ब्लड लेके आंदियां ने हार्ट कोल, वो ज्यादा थिक नहीं होंदियां, दे आर थिन। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने कोल प्रेशर ही नहीं है वो तो आराम नाल आंदियां ने अपना ब्लड दे दिंदियां। हुण सेम है जदों हार्ट तो ब्लड फॉर ऑक्सीजनेशन लंग्स कोल जाऊगा तो ਉਹਨੂੰ ਥਿੱਕ ਵੈਸਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਪਲਮੋਨਰੀ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਆਰ ਦੇਅਰ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਲੰਗਸ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਹੈਵ ਇਜ਼ ਦਾ ਪਲਮੋਨਰੀ ਵੇਨ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਦਾ ਆਕਸੀਜਨੇਟਿਡ ਬਲੱਡ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟੇ? ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਰ ਬ੍ਰਾਂਚਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਲਰੀਜ਼। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੇਟੇ ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ अगर आप कही कि ब्लड वैसल्स वी हैव इज द, तो उन्होंने स्ट्रक्चर है जी किमें होंगी है, तो अपने को बेटे तीन कोट होंगे ने। जिमें सपोज आप इसनों खोल के देख, ये मेरे को एक वैसल है तो ये को बेटे तीन पार्ट होंगे ने। एक ये उपर वाला कोट, कोट मतलब छिलका, यदि स्किन, ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, अगर मैं इतने ड्रॉ करा तो आई हैव इज ये मेरी वैसल है, ਇਹਦਾ ਆਊਟਰ ਟਿਊਨਿਕਾ ਐਕਸਟਰਨਾ, ਇਨਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਟੱਚ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਟਿਊਨਿਕਾ ਇੰਟਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਪ ਹੈ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟਿਊਨਿਕਾ ਮੀਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਾਰਕਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਸਕਿਨ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਬਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂ, ਟਿਊਨਿਕਾ ਐਕਸਟਰਨਾ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵਿੰਗ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਿਊਨਿਕਾ ਇੰਟਰਨਾ, ਐਂਡ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਪ ਹੋਊਗਾ that will be the tunica media। clear, the same is vein de andar vi aveyi hai। us to baad hai bete valves ki hunde ne, what are the valves apan detail ch discuss karange jadon apan heart padhange। apni sari body de andar jithe vi koi cheez enter ho rahi hai, bahar ja rahi hai, utthe valves ya sphincter word use karde hai apan, jivein apan digestive system de andar padhya pyloric sphincter, कार्डियक सफेंटर। ठीक है, सफेंटर का मतलब वो ढक्कन खुलिया, फूड अंदर आया, फिर जो लास्ट उन्हें एग्जिट करना सीगा सफेंटर खुलिया, वो बाहर चला गया बॉडी तो। यस और नो? सेम वे दे अंदर हार्ट दे अंदर वेल्व्स होंगे ने बेटे, ताकि जो ओरिकल्स तो ब्लड वेंट्रीकल्स के अंदर आए तो वह बैक फ्लो है जेड़ा वो ना होए। क्लियर? सो एज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, अगर बैक फ्लो का मतलब नहीं भी समझ आया तो आप जो हार्ट की डायग्राम नू डिटेल च डिस्कस करांगे उदो होर भी क्लीयर हो जाऊगा बेटे कि बैक फ्लो का मतलब की हुंदा है। ठीक है, तो बैक फ्लो का मतलब है कि आउटलेट तो जो ब्लड नीचे आ गया तो वह वापस ना चला जाए। क्लियर? रेगुलेशन ऑफ ब्लड है जेड़ा वो इन्हां वेल्व्स की हेल्प के नाल अपने कोल हुंदा है। ठीक है, फिर अपने कोल बेटे ब्लड की है, जो बॉडी के अंदर फ्लूड फ्लो कर रहा है उन्हों आपा कहने हैं ब्लड। ब्लड इज द मोबाइल कनेक्टिव टिश्यू विच इज फ्लोइंग इन साइड द बॉडी। ब्लड के दो कंपोनेंट्स होंगे ने, ये अंदर की है, ब्लड के अंदर वी हैव इज द प्लाज्मा एंड कॉर्पसल्स या सेल्स। प्लाज्मा की है, ब्लड जो सेल्स कर दो, वाटर, हार्मोन्स, एंजाइम्स और मिनरल्स, आयन्स, व्हाटसोएवर इज देयर इन द ब्लड, क्लॉटिंग फैक्टर, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर, दे ऑल मेक द प्लाज्मा। क्लियर? सेल्स की ने प्लाज्मा नु छड़ के जो रिमेनिंग पार्ट रह गया ओह सेल्स ने, सेल्स तो छड़ के जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो प्लाज्मा। हुन अपने को एक वर्ड आंदा सीरम की हुंदा है, अगर मैं प्लाज्मा चो क्लॉटिंग फैक्टर्स कर देनी हाँ तो वह मेरे को बन जाता है सिरम। क्लियर है बेटे? जो टेस्टिंग्स यूज होंगे वो सिरम होंगे। द प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कॉल्ड एज सिरम। क्लॉटिंग फैक्टर्स की होंगे ने, फैक्टर्स जो ब्लड नू जमन च हेल्प करते हैं, सच फैक्टर्स आर कॉल्ड एज द क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्लियर? तो अपने को बेटे की आ गया, वी हैव इज द ब्लड, द फिजिकल अपेयरेंस, ब्लड की स्टडी नो आप कहने हैमेटोलॉजी। फिजिकल अपेयरेंस की है, ए रेड कलर का सबस्टेंस है,
कॉम्पोजिशन की है प्लाज्मा है एंड ब्लड सेल्स ने. प्लाज्मा की है स्लाइटली एल्केलाइन येलो कलर द फ्लूड है जिदे अंदर प्रोटीन्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स फूड मटेरियल एंटीबॉडीज एवरीथिंग इज प्रेजेंट इंक्लूडिंग द डिजॉल्व्ड गैसेस एंटीकोएगुलेंट कोलेस्ट्रॉल अपने को रेगुलेटरी सब्सटेंसेस ऑल द थिंग्स आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. प्लाज्मा चो अगर मैं क्लॉटिंग फैक्टर्स नू रिमूव कर दिनी हाँ तो वह मेरे को बन जाता है वो मेरे को मेरा सिरम बन जाता है. क्लियर है बेटे. नाउ सेल्स सेल्स ने जेडे बेटे दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर्स. सेल्स तीन तरह के होंगे ने ब्लड के अंदर. वी हैव इज द आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स WBCs, white blood cells, also known as leukocytes, and the third one is the platelets. ठीक है, आज अपन सिर्फ RBCs डिस्कस करेंगे. RBCs की ने बेटे red blood cells, which are biconcave disc-like structure, तो तुसी 10th class में पढ़ के आए हो. RBCs दे अंदर hemoglobin present होता है. वो hemoglobin ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी नू इनक्रीज करता है. क्लियर, जिन्ना ज़्यादा हीमोग्लोबिन है उन्नी ज़्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है. अगर वो डिक्रीज है तो तुसी एनीमिक भी हो सकते हो. तो ये बायकनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स ने जिन्हों के अंदर हीमोग्लोबिन है जिहड़ा वो प्रेजेंट हुंदा है. 120 डेज इन्हों का शेल्फ लाइफ पीरियड है जिहड़ा वो हुंदा है. इन्हों के दो फंक्शंस ने दे इंपार्ट रेड कलर टू द ब्लड एज वेल एज ये अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैरिंग कैपेसिटीज ने जेडे ओह रखते हैं जिमें कि आप लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस भी करे है दैट इज इन योर सर्कुलेटरी सिस्टम. तो आरबीसीज की हो गए. आरबीसीज अपने रेड ब्लड कॉर्पसल्स होंगे ने बेटे जो कि जिन्हों के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है बाय कन्वैक्स न्यूक्लीएटेड स्ट्रक्चरस ने. ठीक है, तो अपने को बेटे मेच्योर आरबीसीज के अंदर न्यूक्लीअस नहीं होंगे बेटे. उस तो पहले उन्होंने को जो अपनी यंग स्टेज के अंदर ने तो उन्होंने को न्यूक्लीअस प्रेजेंट होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आरबीसीज डू नॉट हैव द न्यूक्लीअस. ठीक है, तो बट इधर अपने को राइट आंसर की होंगे कि आरबीसीज द मेच्योर आरबीसीज डू नॉट हैव द न्यूक्लीअस. जो वो पैदा होंगे ने बनते ने उदो उन्होंने को न्यूक्लीअस है जोड़ा वो प्रेजेंट होंगे. क्लियर, नाउ वी हैव इज द साइज. इन्हों का साइज 7 to 8 माइक्रोमीटर्स होंगे बच्चे. उस तो बाद कलर रेड कलर क्योंकि हीमोग्लोबिन है हीम है ग्लोबिन है. ठीक है, ऑक्सीजन है कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करते हैं. तो नैक्सट वी हैव इज द फॉरमेशन. इन्हों की फॉरमेशन आप एरिथ्रोपोइसिस कहने 120 डेज इन्हों की शेल्फ लाइफ है जी वो होंगी है. ठीक है, तो इस तो बाद बेटे अपने को WBCs ने WBCs and platelets of a next class then the along with the diagram of heart we will discuss. ठीक है, so now तुसी अपना festival enjoy करो. ज़्यादा नहीं करांगे. अपना test prepare करो. इतों तक जेड़ा है तुहानू general circulation की होंदा है open circulation open circulatory system closed external internal. ठीक है, intracellular extracellular circulation blood then the components plasma cells. इतों तक जड़ा है अपनी रीडिंग ले लियो बेटे. नेक्स्ट क्लास जाने तो पहले रीड करके आना. ठीक है, थैंक यू.